हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सोब स्टाइल ब्लॉग। सो गाइज, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज आज हम टू मोस्ट अवेटेड बाइकों को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, दोनों ही डिफरेंट कंपनी से रहने वाली हैं, और मैं आपको एक मेन पॉइंट और बता दूँ कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में दोनों ही बाइक लॉन्च हो चुकी हैं और दोनों ही बाइक के प्राइस और फीचर जो है रिवील हो चुके हैं। तो गाइज, इन दोनों बाइकों को परचेस करने से लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं कि हम दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक परचेस करें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों बाइकों को लेकर आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। एक रहने वाली है MT15 V2 और एक रहने वाली है अपाचे RTI 204 V। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कंपैरिजन रहता है वो रहता है कि कंपनी आपको किस प्राइस में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स जो है प्रोवाइड करती है। लाइक आपको क्या इंजन पावर देखने को मिलेगी, क्या बाइक के अंदर न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपाचे RTR 204 V के बारे में। तो इस बाइक के इंजन में आपको जो पावर देखने को मिलेगी वो मिलेगी 197.7 cc ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 5 गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको पावर देखने को मिल जाएगी मैक्सिमम 20.82 hp 9000 rpm के साथ बाइक के अंदर आपको पावर देखने को मिल जाएगी। वहीं आपको मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा इंजन 17.25 Nm टॉर्क 7250 rpm के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं बाइक के अंदर पावर तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, बिकॉज 200 cc सेगमेंट का इंजन है। और अब हम बात कर लेते हैं बाइक के सस्पेंशंस के बारे में, जो कि काफ़ी रोल रखते हैं, बिकॉज सस्पेंशन जो हाईलाइट रहती है बाइक की। तो फ्रेंड्स, इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेंगे टेलीस्कोपिक फोक्स, जो कि आपको प्रीलोड एडजस्टर के साथ देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात कर लें इस बाइक के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो इस बाइक में आपको मोनोट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बात कर लूँ बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट एंड कर्व वेट और फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो इस बाइक की सीट हाइट रहने वाली है, आपको मैं बता दूँ, 800 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है 180 mm का। और वहीं आपको कर्व वेट के बारे में बताऊं तो इस बाइक का कर्व वेट रहने वाला है 152 kg का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक के अंदर आपको 12 लीटर की देखने को मिल जाएगी। वहीं मैं बात कर लूं बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर के बारे में, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलेगा। वहीं आपको इसमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब ऐसा कोई फीचर्स के अंदर नहीं है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें आपको मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, वहीं हम बात कर लें बाइक की लाइटिंग के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको सारी की सारी LED लाइट देखने को मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, और वहीं बात कर लेते हैं बाइक के ब्रेक एंड टायर के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेंगे 270 mm के पैटल डिस्क। वहीं रियर ब्रेक देखने को मिलेंगे आपको 240 mm के पैटल डिस्क, जो कि आपको सिंगल चैनल सुपर मोटो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेंगे। वहीं बाइक के टायर के बारे में बात करूँ तो फ्रंट टायर बाइक का आपको 90x90 सेक्शन का देखने को मिलेगा। बाइक का रियर टायर आपको 130x70 सेक्शन का देखने को मिलेगा। बाइक का रह गया मेन पॉइंट एक, कि भाई बाइक का माइलेज एंड टॉप स्पीड क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ बाइक का माइलेज आपको 35 km/l देखने को मिलेगा आपको। वहीं बाइक की टॉप स्पीड आपको 130 km/h की बाइक के अंदर आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और ये बाइक आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 1,38,000 के आसपास आपको एक्स शोरूम देखने को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वहीं हम बात कर लेते हैं अब MT15 V2.0 के बारे में, तो गाइस इस बाइक में आपको किस प्राइस में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे अभी आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी बाइक परचेस करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस बाइक में आपको 155 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOHC 4-वाल्व सिंगल सिलेंडर BBA टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला आपको इस बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 18.4 hp 10,000 rpm के साथ, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा इंजन 14.1 Nm टॉर्क 7500 rpm के साथ, जो कि आपको 6 गियर स्पीड बॉक्स ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गैस कर सकते हैं कि आपको कौन सी बाइक का इंजन जो है बेस्ट लगता है। जैसे कि आपको मालूम है कि अपाचे RTR 204 V के अंदर आपको थोड़ी पावर ज्यादा देखने को मिलती है, बट वहाँ पर आपको BBA टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी, SOHC नहीं देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसमें आपको एयर कूल भी नहीं देखने को मिलेगा, उसमें आपको 6 गियर स्पीड बॉक्स ट्रांसमिशन भी नहीं देखने को मिलेंगे, और उसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि MT15 V2.0 आपको सारे फीचर जो है प्रोवाइड करती है। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। और वहीं बात कर लें बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको जो है सस्पेंशन देखने को मिलेंगे फ्रंट साइड में 37 mm की USD टेलीस्कोपिक फोक्स, और यहीं आपको रियर पार्ट में इस बाइक के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे लिंक टाइप मोनोक्रॉक सस्पेंशन। और वहीं हम बात कर लें RTR 204 V के सस्पेंशन के बारे में, तो वहाँ पर आपको जो है सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक देखने को मिलते हैं, जो कि आपको एडजस्टर देखने को मिल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी 204 V मेरे हिसाब से थोड़ी सी डाउन चली जाती है। वहीं बात कर लें बाइक के डायमेंशंस के बारे में, तो भाई इस बाइक का डायमेंशंस जो है सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में और कर्व वेट के बारे में, तो मैं बता दूँ इस बाइक की जो है सीट हाइट जो है अपाचे RTR 204 V से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। मतलब इस बाइक के अंदर आपको 810 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। वहीं इस बाइक के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है कम देखने को मिलेगा 170 mm का, वहाँ पर आपको 180 mm का देखने को मिलता है। कर्व वेट इस बाइक के अंदर आपको कम देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा
जाएगा आपको 139 केजी का, वहाँ पर मिलता है आपको अप्रॉक्स 156 या 52 केजी का। इस बाइक के अंदर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी कम देखने को मिलेगी 10 लीटर की, वहाँ पर आपको 12 लीटर की देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर के बारे में बात कर लें तो भाई इस बाइक में जो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर दोनों ही बाइक में सिमिलर रहने वाला है, बिकॉज दोनों ही बाइक में आपको मोबाइल फोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और सारे रिमाइंडर फीचर इस बाइक के अंदर भी देखने को मिलते हैं और अपाचे आरटीआर 200 के भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के ब्रेक एंड टायर के बारे में। तो गाइस एमटी के अंदर आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेंगे 282 mm के सिंगल डिस्क ब्रेक, और वहीं आपको अपाचे 200 में देखने को मिलेंगे 270 mm के पैटल डिस्क ब्रेक। वहीं आपको एमटी के अंदर रियर ब्रेक देखने को मिलेंगे 220 mm के सिंगल डिस्क ब्रेक। वहीं आपको अपाचे आरटीआर 204B के अंदर जो है रियर ब्रेक देखने को मिलेंगे 240 mm के पैटल डिस्क ब्रेक। तो गाइस इस बाइक के अंदर जो है ब्रेक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों के अंदर आपको ABS देखने को मिलता है, बट अपाचे आरटीआर 200 में आपको सुपर मोटो ABS देखने को मिलेगा। और बात कर लें बाइक के टायर के बारे में, तो गाइस एमटी के अंदर आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेगा 100x80 सेक्शंस का, रियर टायर देखने को मिलेगा आपको 140x70 का। वहीं आपको अपाचे आरटीआर 200 में जो फ्रंट टायर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 90x90 सेक्शन का और रियर टायर देखने को मिलेगा 130x70 सेक्शन का। तो मैं बता दूं ब्रेक एंड टायर के मामले में जो है एमटी थोड़ी सी आगे निकल जाती है, ब्रेक जो है थोड़े से अपाचे आरटीआर 200 के बेटर रहने वाले। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो एमटी की जो टॉप स्पीड रहने वाली है वो रहने वाली है 130 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेट। वहीं मैं आपको बता दूं यही स्पीड रहने वाली है अपाचे आर 200 की। और वहीं मैं आपको बता दूं माइलेज जो है आपको एमटी के अंदर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं एमटी के अंदर आपको 45 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेट माइलेज देखने को मिल जाएगा, वहीं आपको 35 किलोमीटर पर आवर का जो है आपको 200 के अंदर देखने को मिल जाएगा माइलेज। मतलब अपाचे आरटीआर 200 के अंदर आपको माइलेज कम देखने को मिलेगा। तो वहीं आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहने वाली है। अब मैं आपको बता दूं बाइक के अंदर आपको प्राइस क्या देखने को मिलेंगे, दोनों के प्राइस जो है डिफरेंस क्या रहने वाले हैं। तो ये बाइक आपको एक्सोरूम पड़ती है 1,60,000 के आसपास, जो कि आपको 155 सीसी इंजन में आपको देखने को मिलेगी, और अपाचे आरटीआर 200 आपको जो है एक्सोरूम पड़ेगी आपको 1,38,000 के आसपास आपको इंडियन टूर मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो भाई आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाइक के फीचर्स, लुक, प्राइस, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो बेस्ट बाइक रहने वाली है, बिकॉज आपको बाइक की सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ये नहीं कि बाइक के अंदर सीसी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है तो ऐसा नहीं कि बाइक बेस्ट रहती है, बट मैं बता दूं कि आरटीआर 200 भी कोई बेकार बाइक नहीं है, बढ़िया बाइक है, देखने में भी अच्छी लगती है। बट एमटी का जो है लुक ना थोड़ा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इसी वजह से इसकी बाइक की जो है बहुत ज़्यादा सेल होती है इंडियन टूर मार्केट में। आप लोगों को पता होगा ये बाइक जो है 1 मंथ में ही 10,000 इस बाइक की यूनिट जो है सेल हो चुकी है इंडियन टूर मार्केट में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं गाइस चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है और जो है फीचर्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्राइस भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। गाइस मिलते हैं आपसे अगली बार एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।